Hey friends, my name is Himanshu and मेरे चैनल का नाम है गुरुग्राम रियल एस्टेट। आज हम अमेजिंग प्रॉपर्टी जैसे लेकर आता रहता हूँ। आज एक अच्छा बिल्डर फ्लोर है एंड बड़े ही रीजनेबल प्राइस पे। प्रॉपर्टी की लोकेशन अर्जुन मार्ग है एंड अर्जुन मार्ग मॉल के साथ ही है। अगर गोल्फ कोर्स आप कमीलियाज देख सकते हो, गोल्फ कोर्स रोड आप अंदाजा लगा सकते हो, साथ में ही है। वॉकेबल डिस्टेंस पे ही आपका मेट्रो स्टेशन है जो है DLF फेज वन का। आज हमारे साथ गेस्ट भी है जो ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है एंड अपनी कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको बुलाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी स्ट्रेट अप। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फाइनली मैम आप यहाँ पे हैं एंड आपकी अमेजिंग प्रॉपर्टी है। जैसे कि लोकेशन मैं देख सकता हूँ, यहाँ से मार्केट भी सामने से दिख रही है एंड आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ये प्रॉपर्टी को भी, तो प्लीज़ बताइए इस प्रॉपर्टी के बारे में। मानशु, ये 300 गज की प्रॉपर्टी है जिसमें हम 3 बेडरूम और 1 स्टडी के साथ इसको दे रहे हैं। प्लस पॉइंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज बैंग ऑन ऑपोजिट है अर्जुन मार्ग के। सारी आप देखिए, इससे साइबर हब बहुत पास है, कैमिलिया के पास है ये। एंड फ्लोरिंग हमने चेंज करी है इसमें, किचन फिटिंग्स हमने चेंज करी हैं, हर चीज़ हमने इसमें चेंज कर दी है। हिमांशु, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20 साल पुरानी है। 200 प्लस प्रोजेक्ट्स हमने आज तक डिलीवर करे हैं। वी पिकअप ओल्ड प्रॉपर्टीज़, हम उसको एकदम A to Z नया कर देते हैं। कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करी जाती हैं। प्लस अगर किसी ने अपनी ही प्रॉपर्टी को रीडू करवाना है हमसे, हम वो भी करके देते हैं। अच्छा, ओके जी। तो आप बेसिकली पुरानी प्रॉपर्टी को नया बनाकर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। तो आपकी कौन कौन सी लोकेशंस है? मतलब हमारे पास सुशांत लोक 1 में है, सुशांत लोक 2 में है, DLF फेज 4, DLF फेज 1 एंड द प्लस पॉइंट इज हम किसी की प्रॉपर्टी को नहीं कर रहे हैं। ये सारी हमारी अपनी खरीदी हुई आर ओन प्रॉपर्टीज हैं। ओके जी। तो गाइस, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी इसलिए है बिकॉज ये एक रीजनेबल प्राइस में मिल रही है और आपको पुरानी जैसा फील नहीं होगा बिकॉज दे एक्चुअली अपना पूरा काम, मतलब सारी चीज़ें जैसे कि फ्लोरिंग से लेकर आपका अगर शेंडलर से लेकर, मतलब आप किचन वर्क की बात भी करें, वो सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज कराकर चेंज कराकर देते हैं। अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो कस्टमाइज कराना, वो भी ये फ्लेक्सिबल है करने के लिए। तो अगर फुली फर्निश्ड भी आप चाहते हैं तो हम वो भी करके दे सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ओके, तो आप देर किस बात की है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ एंड थैंक यू मैम। यू वेलकम। थैंक यू। आप देख सकते हैं इसमें वॉल सीलिंग का नया काम हो रहा है। एसी आपको मिल जाएंगे जोन से भी आप चाहते हैं, कस्टमाइज हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि आपको फॉर एग्जांपल आपको वॉलपेपर कोई भी कलर का चाहिए या जोन सी भी चीज़ें, स्विच बोर्ड से लेकर सारी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल है। आपका वार्डरोब एरिया आ जाएगा, दिस विल बी योर वार्डरोब, 2 वार्डरोब्स एंड द साइज इज डिसेंट एंड रियली गुड, ग्रेट साइज ऑफ। अगर हम तीनों बेडरूम की बात करें तो 300 स्क्वायर यार्ड में आप सोच सकते हो 3 बेडरूम बने तो कितने अच्छे साइज के बनेंगे। प्लस इसी के साथ आपका अटैच बाथरूम हो जाता है, इसमें आपका काम चल रहा है, एंटी स्केट लगे हुए बाथरूम में, अभी काम चल रहा है तो आपको लाइट वगैरह का प्रोविजन मिल जाता है। तो आपको मैंने पहला बेडरूम दिखा दिया था, डिसेंट साइज था, 15x13 का साइजेस हैं, 15x16 के साइजेस हैं, 13x15 के साइजेस हैं, बड़े साइजेस हैं इसमें, 17 तक जा रहे हैं अगर साइज़ की बात करी जाए तो। तो पहला बेडरूम दिखाया, अब दिस विल बी योर सेकंड बेडरूम, इसके साथ भी आपका अटैच बाथरूम है। अभी गाइस काम चल रहा है बेडरूम में एंड ऑल्सो बाथरूम में, तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि बहुत रॉ है, लेकिन मैं आपको आप लोगों के लिए कवर करना चाहता था ताकि आप लोगों को समझ आए कि आई वॉन्ट टू ट्राई टू शो अच्छी प्राइसिंग के साथ ऐसी प्रॉपर्टी जो प्राइम लोकेशन पे, गोल्फ कोर्स रोड साथ में, कमीलियाज का व्यू मिल जाता है आपको छत से अगर विद रूफ है आपकी ये प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो वास्तु परफेक्ट है, तो सारी चीज़ें इसमें आपको कंप्लीशन मिल जाती है एंड एक अटैच बाथरूम है इसमें, एंटी स्केट लगे हुए हैं फ्लोर्स पे तो आप स्लिप भी नहीं करोगे। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है तो कॉर्नर की प्रॉपर्टी का ये मिल जाता है कि आपको व्यू अच्छा मिल जाता है, सारी तरफ से आपको सनलाइट मिलती है, तो कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो दिस इज अ बोनस। अब आप देखेंगे कि इसी के साथ आपका वार्डरोब आपने देख लिया जिस पे काम चल रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी काम चल रहा है तो इसी वजह से आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अकॉर्डिंग अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत अमेजिंग लगेगा, इट विल बी वंडरफुल प्रॉपर्टी टू लिव इन, अच्छी प्रॉपर्टी है रहने के लिए। अब ये भी आपका अगर हम बात करी जाए तो दिस इज ऑल्सो आपकी साउंड प्रूफ जो स्लाइडर्स हैं, आपकी ये रनिंग बालकनी आ जाती है। तो पहला बेडरूम,
एंड सेकेंड बेडरूम के साथ ये रनिंग बालकनी आ जाती है, यहाँ पे आप अपना ग्रास लगा सकते हैं या वॉट एवर यू फील लाइक वैसा करा सकते हैं। सिक्योरिटी है, गेटेड कम्युनिटी है। आ जाइए आपको थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे यूटिलिटी स्पॉट भी मिला हुआ है, एसी के सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो बने हुए हैं, एसी की फिटिंग भी हो जाएगी अगर आप कुछ भी चाहते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक आप हमें बताइए। जैसे इन्होंने बताया 1090 का इनका पेमेंट प्लान है, 10% दे विल टेक, 90% विल बी इन द एस्क्रो अकाउंट। आपको अगर ये प्रॉपर्टी अपने टर्म्स लिखवा लीजिए, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपको ये स्विच बोर्ड समझ नहीं आता, कोई और स्विच बोर्ड आपको कस्टमाइज कराने हैं या आपको वॉल पेपर वैसे कराने हैं। फॉल्स सीलिंग उन्होंने अच्छी करी है, अच्छा काम हुआ हुआ है फॉल्स सीलिंग पे, वुडन टीक वुड का आपके वुड्स हैं अगर हम डोर की बात करी जाए तो सही है, रीजनेबल जो प्राइसिंग है यहाँ पे 300 गज की उसके हिसाब से विद रूफ दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी रीजनेबल प्राइसिंग के वाइज। तो अब आपका आ जाता है थर्ड बेड मास्टर बेडरूम, जिसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। वुडन फ्लोरिंग के साथ साथ आपका वार्डरोब का एरिया ही आ जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ बिग बेडरूम, दिस विल बी योर बाथरूम जिसमें अभी काम चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फिनिशिंग पे काफ़ी ज़्यादा अभी टचअप रहता है, बाथरूम फिटिंग्स रहनी लगनी रहती है, शैंडल्स वगैरह, अभी ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा रहता है। लेकिन प्रॉपर्टी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्पेस का अंदाज़ा रह जाए कि थ्री बेडरूम प्लस स्टडी जो ऊपर बना हुआ है वो कितना साइज का है। तो दिस विल बी योर रनिंग बालकनी जो आपकी लिविंग के साथ होती है, तो मैं लिविंग रूम के साथ आपको ये दिखाता हूँ बालकनी। तो आ जाइए आपको लिविंग रूम दिखाता हूँ और उसके साथ किचन भी दिखाता हूँ। तो दिस विल बी योर डाइनिंग स्पेस, इसी के साथ आपकी किचन है, ओपन किचन है, मॉडलर किचन आप देख सकते हैं, आपकी यू शेप में आ जाती है। और इस किचन में आपको अगर देखा जाए तो इनफ स्पेस है, ये आपका फ्रिज का स्पॉट बन जाता है। एंड अभी काम रहता है तो हॉफ एंड चिमनी आपकी लग जाएगी, यहाँ पे आपका वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है जैसे कॉर्नर की प्रॉपर्टी है तो। एंड अब आपको मैं दिखाता हूँ जो लिविंग एरिया है, तो यहाँ पे एक डिवीजन दिया है इन्होंने जो वुडवर्क है, तो आपका एक कॉलम्स बनाए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं शोपीस रखने के लिए, तो हाइलाइटर्स लगे हुए हैं इधर, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू शो पीस यहाँ पे लग सकता है, प्लस आपका वुडवर्क हुआ हुआ है यहाँ पे भी आपके चैनल बने हुए हैं, तो दिस इज़ गुड। एंड देन अगर हम देखें तो अच्छी लिविंग स्पेस निकल कर आ जाती है, प्लस ये वाला जो स्टेयर है आपका टेरेस के साथ, ये वाली स्पेस आपका बार काउंटर बना सकते हो आप अगर आप चाहते हो तो, जैसे आप चाहते हो वैसा आप कस्टमाइज हो सकता है, यहाँ पे आपका बार बन सकता है। ऊपर भी आपके पास बार की प्रोविजन है क्योंकि विद रूफ की प्रॉपर्टी है। उससे पहले मैं फ्रंट की बालकनी दिखा देता हूँ एंड देन हम रूफ पे चलते हैं। आ जाइए, 12 मीटर की रोड है और आपकी रनिंग बालकनी है, जो आपके जो मैंने आपको बेडरूम दिखाया था मास्टर बेडरूम एंड लिविंग एरिया उसके साथ ही अटैच है। फसाद इसका अच्छा है, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अर्जुन मार्ग में आपकी मार्केट जो है, मार्केट आपकी बिल्कुल साथ में ही लगती है, सामने ही आपको मार्केट फेसिंग घर है, तो आपको कोई भी चीज़ के लिए जाना नहीं है। गलेरिया मार्केट पास में, गोल्फ कोर्स रोड पास में, हार्डली 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे एवरीथिंग इज़ देयर। लाइक इफ़ यू वांट टू गो साइबर सिटी 5 मिनट, DLF फेज 1 का मेट्रो स्टेशन 2 मिनट की वॉक पे, तो सारी चीज़ें आपकी पास में ही हैं। तो लोकेशन का USB के साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है। अभी काम चल रहा है, अब आपको ये स्टेयर्स आपको लेकर जाता है रूफ पे, अंदर से ही आप रूफ पे जा सकते हैं। तो आ जाइए, तो गाइस जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रीडेवलप करा गया है, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा है कि रीडेवलप घर है। फसाद भी अच्छा है, अगर हम बोले तो फोर्थ फ्लोर विद रूफ की इन्वेंट्री है आपका शानदार, ये आपका बन रहा है लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग गजीबो टाइप का। एंड देन आपका सर्वेंट रूम आ जाता है इधर अलग से, एंड दिस विल बी योर प्राइवेट स्पेस जो आपका स्टडी रूम बना सकते हैं विद अटैच बाथरूम। अभी काम चल रहा है इस पर, प्लस आप रूफ देखिए अभी, एंड देन दिस इज़ ऑल्सो फॉर द ब्यूटिफिकेशन, यहाँ पे प्लांटेशन हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये प्लांटेशन की स्पॉट्स हैं। अब आप लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं, रूफ से आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये आपका DLF की टाउनशिप है, DLF फेज 5, वहाँ पे अरावली की बेल्ट है, अरावली आपको यहाँ से भी दिख रही है, अरावली का फील आ रहा है। एंड देन 12 मीटर की रोड पे है, तो प्रॉपर्टी में बस यही है कि रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, रीडेवलपमेंट के साथ साथ यू आर सेविंग योर मनी अगर फोर्थ फ्लोर को इन्वेंट्री आपकी चलती है तो, प्लस
रीडेवलपमेंट ये करते हैं, तो अगर आपको कुछ रीडेवलपमेंट करानी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टेरेस लेकर आया हूँ 300 स्क्वायर यार्ड का, अर्जुन मार्ग की प्रॉपर्टी है, DLF फेज वन। दिस इज प्राइम लोकेटेड प्रॉपर्टी, प्राइम लोकेशन पे है ये, दिस इज़ अ प्राइम लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, लोकेशन के अलावा भी गोल्फ कोर्स रोड की चाम है। अगर हम इधर बात करें तो सारी चीज़ें आपको आसपास की लोकेशन में ही मिल जाती है। दो गाड़ी की पार्किंग मिलती है आपको इसमें, मैं आपको नीचे पार्किंग भी दिखाता हूँ, आ जाइए। तो आपको विद रूफ मिल रही है, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, 300 गज की, DLF फेज़ वन में। आपका वॉकेबल डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है DLF फेज़ वन का। दिस इज़ योर पार्किंग लॉट, जहाँ पे आपको दो गाड़ियों की पार्किंग मिलती है 12 मीटर की। जैसे मैं रोड बार बार बता रहा हूँ, आपको दिखा भी चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये लोकेशन समझ आए, क्योंकि लोकेशन की वैल्यू है। 300 गज में आपको जिस प्राइसिंग पे ये मिल रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। बड़ा रीजनेबल प्राइस है विद रूफ, और रूफ पे भी आपको आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होगा। फ्लोर की कंडीशन अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन सारा काम नया हुआ हुआ है, और नया काम आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी हो जाएगा। तो आ जाइए, आपको दिखाता हूँ लिफ्ट का एरिया भी। दिस विल बी योर पार्किंग एरिया, एंड देन यहाँ पे आपका गेट बन जाता है, जहाँ पे आपका कोड लगता है। तो गेटेड कम्युनिटी के साथ साथ आपका लिफ्ट भी यहीं पे है, एंड लिफ्ट भी आपको अच्छी मेंटेन करी हुई है हाई बॉन की। तो दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग विद दिस बिल्डर फ्लोर। तो फाइनली यही बोलूँगा कि अगर आपको ये फ्लोर समझ आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। कुछ कस्टमाइज कराना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपको लोकेशन से लेकर कोई भी चीज़ के लिए, आपको 1090 का पेमेंट प्लान समझना है, या आपको अपनी प्रॉपर्टी ऐसी करानी है जैसे आपको रीडू करानी है अपनी प्रॉपर्टी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। थैंक यू वेरी मच। आपको फसाड भी दिखा दी है, प्रॉपर्टी भी दिखा दी है, लोकेशन भी बता दी है, 300 गज की, DLF फेज़ वन, अर्जुन मार्ग। अच्छी प्रॉपर्टी लगे तो प्लीज़ कॉल ऑन माई नंबर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।